और मालिक, घर में सब कुछ ठीक है ना? पानी वानी समय पे आ रहा है ना? गुड 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 गुड, वेरी गुड। अरे रेंट कब देगा? 6 महीने हो गए, अभी तक रेंट नहीं दिया। ये तेरा बाप का घर नहीं है, है ना? है कि नहीं? कब देगा रेंट? वो इस महीने का तनख्वाह नहीं मिला। साले शर्म नहीं आती? मालिक का गाली खा रहा है? 6 महीने से इस घर में मुफ्त में रह रहा है। साले भला आदमी समझकर तुझे रेंट में दिया था, अब साले तू ही मर रहा है। अगर तूने 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर रेंट नहीं दिया, तेरे पिछवाड़े पे लात मार कर निकाल दूंगा। चल भाग। कैसा कैसा लोग आ गया, अब तो घर देना भी पाप हो गया है। पता नहीं कौन कैसा घुसा है। साले, तेरे बाप का रेस्टोरेंट है क्या जो खुले आम तोड़फोड़ कर रहा है? नशा करके आया है क्या? ध्यान कहाँ है तेरा? अब इस ग्लास का पैसा कौन भरेगा? ये तेरे सैलरी से काटूंगा मैं। चुपचाप काम कर, जा। ये देखो 50,000 की घड़ी है। अच्छा लगा? अच्छा, जस रहा है। अच्छा, डीजल का है। अच्छा, सर। हाँ बोलो। कुछ बात करनी थी सर। हाँ क्या बोलना है बोल। वो सर थोड़ी छुट्टी चाहिए थी सर, वो गांव जाना है कुछ दिन के लिए। छुट्टी? हम लोग यहाँ क्या झक मर रहे हैं? तू नहीं रहेगा तो काम कौन करेगा इधर? तेरा बाप? वो पिताजी का ही तबीयत खराब है, उसी सिलसिले में गांव। ना ना ना, छुट्टी बुट्टी कुछ नहीं मिलेगा। चुपचाप काम करो, इधर जाओ। चलो साला, काम तो होता नहीं है, नवाबी ऊपर से जाती नहीं है इन काम चोरों की।
तुझे शहर भेजे। सोचा था इस बुढ़ापे में कुछ तो काम आएगा, लेकिन तू ओही का ओही रह गया नालायक। अरे तू जैसे कपूत का तुम्हें पैदा करने से पहले ही गिरा देना चाहिए था। तेरे बाप के दवाई का खर्चा, घर का खर्चा अब मैं कहां से पूरा करूंगी? ऐसे तिल तिल के मरने से तो अच्छा है तू गांव आकर हमें जहर पिला दे। बहुत मजा आ रहा है ना, बहुत मजा आ रहा है। गलत है, एकदम गलत। मैंने क्या मांगा आपसे? कुछ नहीं मांगा। फिर मेरे से सब कुछ क्यों छीन रहे? क्यों? सुबह उठ के आपका एक ही काम होता है, कैसे मनीष को परेशान करें। और नहीं होता है भगवान, और नहीं होगा मुझसे। आजकल गुवाहाटी में ऑर्गन ट्रैफिकिंग केस बहुत बढ़ गया है। क्या होगा गुवाहाटी का? दो कप चाय। जैसे सपने चमक रही है, अल्फाज मेरे अधूरे रही, ख्वाहिशों में बुने हुए हजारों मंगे छिपी, याद आती है आज, याद आती है आज। सपने चमक रही है, अल्फाज मेरे अधूरे रही, ख्वाहिशों में बुने हुए हजारों मंगे छिपी, याद आती है आज, याद आती है आज। बहती लहरों में जैसे सपने, जैसे सपने।
से दूर लगता है जैसे नूर, वो चांद हमसे दूर लगता है जैसे नूर, तसव्वुर ये करूं तेरी राह तक चलूं, तसव्वुर ये करूं तेरी राह तक चलूं। ख्वाहिशों में बुने हुए हजारों मंगे छिपी याद आती है आज, याद आती है आज, बहती लहरों में जैसे सपने। सर। हाँ बोलो। एक बात पूछनी थी सर। बोलो। सर वो जो एक लड़की आती थी सर अपने दोस्त के साथ, कुछ दिन से आ नहीं रही है सर, आपको पता है क्यों नहीं आ रही है? सॉरी सर। काम धंधा तो है नहीं, लड़की बाजी जाती नहीं। मैं मनीष, वो कमखा करण रेस्टोरेंट से आया हूँ। हाँ बताइए। वो बहुत दिन हो गया आप लोग रेस्टोरेंट में नहीं है। जी आप गलत मत समझिए, दरअसल हम हमारे रेगुलर कस्टमर्स का ऐसे ही रिव्यू लेते हैं। अच्छा। वो मुझे पूछना था कि आपकी जो फ्रेंड है वो भी बहुत दिन से नहीं आई। अनुष्का? हाँ वही। वो नहीं आ पाएगी। क्यों क्यों नहीं आ पाएगी? वो नहीं आ पाएगी। सुनिए सॉरी, मुझे जानना बहुत जरूरी है वो क्यों नहीं आ पाएगी। अब प्लीज मुझे बताइए वो क्यों नहीं आ पाएगी प्लीज। ग्लोकोमा है उसे, अगर एक हफ्ते में ट्रांसप्लांट नहीं किया तो हमेशा के लिए अपनी आंखें खो देगी। कौन है वो? Hey.
आई एम अनुष्का। आई एम मनीष। आपको पता नहीं है आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। मदद तो बहुत ही छोटी शब्द है। आज आपके वजह से मैं ये दुनिया फिर से देख पा रही हूँ। वैसे शुक्रिया अदा तो मुझे आपका करना चाहिए। मतलब? खैर छोड़िए, वो आप समझ नहीं पाएंगे। क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? हाँ, वो रेस्टोरेंट पर, वो आपका फेवरेट चिकन चाउमीन मैं ही तो सर्व करता था। खैर छोड़िए, अगर आपको सच में मेरा शुक्रिया अदा करना है तो क्या हम कल कॉफी पर जा सकते हैं? क्यों नहीं, श्योर। कब? कल 10 बजे A1 कैफे पर। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। ओके चलो फिर, मैं चलती हूँ अभी। बाय बाय। ब्रेकिंग न्यूज, कमख्या ग्रैंड रेस्टोरेंट के मालिक श्री प्रताप गोस्वामी हुए लापता। परिवार वाले हैं परेशान, किया चांदमारी थाने में FIR दर्ज। पिछले 10 दिनों से पुलिस कर रही है छानबीन, पर उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। छानबीन अभी तक जारी है। पर चलते जा, लोगों की बातें सुनना छोड़ो, खुद ही अपना राजा। दुनिया बेईमान,
मेरी हर एक सांस, मैं डरता जकड़ता हर किसी से लड़ता, फाइट किया मैंने खुद के लिए है, यहाँ जहाँ भी सका वहीं पर है मैंने हार डाला, जो भी सामने आया उसको फाड़ डाला, कामयाबी का झंडा मैंने काट डाला। बहती लहरों में जैसे सपने चमक रही है, अल्फाज मेरे अधूरे रही। तू क्या चाहिए? बेईमान ये दुनिया